उत्तर प्रदेश के जनपद लखीमपुर खीरी में हत्याओं का सिलसिला जारी है। थाना नीमगांव के ग्राम तेंदुबाई में शराब के नशे में धुत सगे भाई ने अपने छोटे भाई 40 साल के धर्मदत्त के पेट को छुरी से चीर कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। धर्मदत्त को गंभीर हालत में प्राइवेट नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया। उसकी गंभीर हालत को देखते हुए लखनऊ ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने धर्मदत्त के शव का पंचनामा भरने के पश्चात शव को पोस्टमार्टम हेतु लखीमपुर भेज दिया है। घटना के संबंध में बताते हैं कि धर्मदत्त पत्नी की मौत के बाद से अधिकांश समय हरियाणा में रहकर मजदूरी करता था। रक्षाबंधन के पर्व पर धर्मदत्त घर आया था और हरियाणा में कमाई गई पूरी कमाई भाभी सत्यवती को दी थी। धर्मदत्त जब खाना खाकर के बाहर बैठा था, तभी सत्यवती का पति राम स्नेही शराब के नशे में धुत आया और धर्मदत्त के पेट में छुरी भोंक कर आंतें फाड़ दी और भाग गया। भाई कालका ने थाना नीमगांव में तहरीर दी है। पुलिस ने धर्मदत्त के शव का पंचनामा भरने के पश्चात शव को पोस्टमार्टम हेतु लखीमपुर भेज दिया है। आपके कौन है जो मरे हैं, इनको क्या हो गया? तेज गोली था। उनका भाई मारा राम से नहीं। हाँ, क्यों मारा? दारू पी के। दारू पी के। हाँ। कब मारा? 14 तारीख। तो फिर कहाँ भर्ती कहाँ कराया? लखीमपुर। फिर लखीमपुर से कहाँ ले गए? लखनऊ ले गए। आपसे संबंधों पीछे नहीं, उससे मारा तो इसीलिए कि उसको शक था कि तुम्हारे संबंध नहीं। नहीं, ऐसा का कुछ नहीं। अगर पी लें तो कुछ नहीं, अब ना पिए तो भैया करके रखे हैं, आराम से ब्रेन से सबसे रखे हैं। अब दारू पी लें तो भैया हो, चाहे बीबी हो, चाहे बच्चा हो। हाँ। अच्छा, मारा क्यों? दारू पी के मारी, और कोई गलती ना। ये बाहर बैठे हुए थे घर के बाहर? हाँ, बैठे थे रोड पर। हाँ घर के बाहर रोड पर। खाना वाना खा चुके थे? खाना खा चुके। बहू है हमारी, दमाद है, नाती है। हाँ भैया जा थोड़ी ना, इनके सबकी शादी हम है, सब जने करण बनाए। हाँ तो वो पकड़ा गया नहीं? पकड़ गया आपका? अब है ना पकड़े गया। राम से नहीं जो मारा है वो आपका कौन है? हमारे पति है। आपके पति? हाँ। कहाँ पर भागा? कहाँ भागे हैं पता नहीं कहाँ। कल तो आज सुबह फोन करी ना, जाने खत्म हो गया है। हाँ। तो फोन करी ना, कहे लगे हम हाजिर हुई जाइबो, सखल लेबो हम पिए रहन तो मारे हैं, हम जान नहीं पाया। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।